कान्हा की नगरी में टूटा रिकॉर्ड, बांके बिहारी मंदिर ने जारी की एडवाइजरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालु जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने जाते हैं, वह उनकी लीला स्थली वृंदावन में पहुंचते हैं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रबंधन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह और शाम को मंदिर नियमित समय पर खुलेगा। रात 12 बजे महाभिषेक होगा। इसके बाद मंदिर के पट रात 1:45 पर दर्शन के लिए खुलेंगे। साल में एक बार होने वाली मंगला आरती रात 1:55 पर होगी। इसके बाद मंदिर सुबह 5:30 तक दर्शनों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी तरफ मंदिर ने विशेष अपील की है कि श्रद्धालु भीड़ के दौरान मंदिर में छोटे बच्चों, वृद्धों और दिव्यांग भक्तों को वृंदावन न आने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा रिकॉर्ड मथुरा के नाम जुड़ा है। धार्मिक नगरी काशी और मथुरा ने नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे तमिलनाडु के 2 दशकों तक पर्यटकों को आकर्षित करने के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया है। पिछले 1 साल के दौरान तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में जहां 22 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 शहरों में काशी और मथुरा में 23 करोड़ पर्यटक हैं। ये धार्मिक पर्यटन में सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है। काशी में 12 करोड़ तो मथुरा में 11 करोड़, अयोध्या में 6 करोड़ और प्रयागराज में 2.5 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। बहरहाल जन्माष्टमी पर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? अमृत पटेल। कहाँ से आए आप? वल्लभ विद्यानगर आनंद, गुजरात से। गुजरात। अच्छा, सब लोग यहाँ देखी जाए तो आके वृंदावन, मथुरा वृंदावन क्यों रुक कर रहे हैं पर्यटक? क्योंकि सभी लोग चारों ओर ये जो वेस्टर्न कंट्री है वो सब देखा है, उसके पास डॉलर पाउंड सब कुछ है, लेकिन क्या कि मन की शांति नहीं है। और सब लोगों के पास अधिक धन होने के बाद भी दुख है, तो इसकी वजह से अभी लोग अभी देवी देवता की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो कि चारों ओर ये प्रेतात्मा भी अटैक कर रहा है, हर घर घर में हर आत्मा, तो सब लोग को पता चल गया है कि अभी हमारा उद्धार देवी देवताओं के सिवा नहीं हो सकता है। सौम्य रंजन दास। कहाँ से आए? हरियाणा से। अच्छा, वृंदावन में क्या खासियत है जिससे जो पर्यटक आते हैं सबसे सर्वाधिक वृंदावन ही वहाँ पे? देखो भैया, जैसे कि हरियाणा हो गए, यूपी हो गए, राजस्थान हो गया, अपना हिमाचल हो गया, ये सब रीच पास में है, मतलब यूपी के, तो ये रीच लोगों के लिए ज़्यादा है, ईजी है। और दूसरा कि लोगों की पॉकेट अलाउ करती है। अब तमिलनाडु जाने के लिए उनको मुश्किलें होती है, जैसे ट्रेन टिकट्स भी महंगी होती है, फ्लाइट्स लो वो महंगी होती है, तो वो भी होता है कि लोगों की रीच, श्रद्धा और क्या कह सकते हैं पॉकेट। मेन है कि अभी मिडिल क्लास लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट अलाउ कर देती है इधर तक आने के लिए, वो बात हो जाती है। कान्हा का यही प्यार है जो अब भक्तों को वृंदावन और मथुरा खींच रहा है। वृंदावन से सतपाल सिंह की रिपोर्ट।